ऐसी बस खाने की इच्छा हो गई थी तो ईयरफोन की कर ये प्याज कचौड़ी है वो आपके एप्पल वाले वो है ना ईयरबड्स की ये भी अच्छा इसमें भी प्याज कचौड़ी है सबकी प्याज कचौड़ी और इसमें गुलाब जामुन है लड्डू है मेरे को लगा पहले है ना मम्मा कि लड्डू है मेरे को पहले लगा कि इसमें सीए की इच्छा हो रही थी आज की कुछ खाना है कुछ अलग से खाना है वैसे इसकी ये इसके पापा घर पे रहते ना तो बहुत इच्छा होती है पूरे दिन पापा को बोलती रहती पापा कुछ लाओ ना मन करता है संडे को देख सकते हैं आप अभी इस टाइम की घर की हालत और अभी ऐसे चुटके बजाते ही काम कर देंगे अब मैं कर दूंगी अभी निकालेंगे हम झाड़ू तो ये हो चुका है पूरा हॉल एकदम क्लीन मैंने कर दिया है देख सकते हैं आप अभी ये सेंटर टेबल मुझे वहाँ लगानी क्योंकि मुझसे ये उठती नहीं है सो ये है यहाँ से और रूम भी मैंने पूरा एकदम क्लीन कर दिया है इस रूम में थोड़े से मेरे कपड़े समेटने के रखे हुए हैं और किचन बस अब मैं शार लेके आऊँगी बाहर से भी कर दिया है मैंने क्लीन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल निशा राठौर ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो अभी बजे हैं 6:15 और अब मैं नहा धोकर और पूरी क्लीनिंग करके अब फ्री हुई हूँ क्योंकि आज पूरा दिन हो गया हमको क्लीनिंग करते हुए अब दिवाली की समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो वैसे जब से कंस्ट्रक्शन का काम चला ना उसके बाद से 3 या 4 बार मैं पूरी एकदम डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ एक बार तो हमने पूरा घर धो लिया था तो अब जब दिवाली आएगी वैसे तो 1-1.5 महीना पड़ा है तो उस टाइम और अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे वैसे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सो अब फ्री हुई हूँ मैं और अब खाने वाने की तैयारी करेंगे सिया काव्य ट्यूशन गए हुए हैं सिया को मुझे ट्यूशन भेजना पड़ा उसके पापा छोड़ के आए थे गोद में लेके क्योंकि यार उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो वो तो दिलवाने ही पड़ेंगे वैसे देखते हैं कल स्कूल में जाके या तो मैं भी मना कर देगी लेकिन एग्ज़ाम तो मैं उसको दिलवाऊंगी 2 तो एग्ज़ाम हो चुके हैं और बाकी जो भी बच्चे हैं वो मैं उसको दिलवाऊंगी सो अभी करते हैं इसलिए आ गई है ट्यूशन से और अब मैं बनाऊंगी खाना और खाने में ना आज जो कि सुबह खाना बनाया था ना वो एज इट इज़ रखा हुआ है मतलब आटा तो मैंने लगा के रख दिया था और जो मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी ना वो एज इट इज़ रखी है तो बस चपाती सेकनी है मुझे क्योंकि दिन में ये कचौरी समोसे और ये ले आए थे तो उनसे ही पेट बहुत ज़्यादा फुल हो चुका था अभी बस मैं खाने का वेट कर रही हूँ क्योंकि ये अभी प्लॉट गए हुए हैं भाभी सा के वहाँ पे तो इस वजह से ये बस मैं ही का वेट कर रही हूँ आएंगे फिर खाना वाना खाएंगे बच्चों ने खाना खा लिया है वो तो सो गए हैं सो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में और ब्लॉग करेंगे कंटिन्यू आपके साथ तो किसी को दवाई लेने का इतना भी शौक होता है कि दवाई के लिए रो रही है ये कि दवाई दो मुझे कावी दवाई नहीं लेते इतनी बेटा दिन में ली थी ना आपने दवाई अभी मैंने सिया को दवाई दी है ना तो ये बोल रही है कि मुझे भी दवाई दो इतना इसका है इसका करती है तू दीदी का धोने अब कपड़े अभी मॉर्निंग के 10 बज गए आज लेट उठी मैं थोड़ा सा तो यहाँ मशीन मैंने लगा दी है कपड़े उपड़े धोएंगे forest. He was cutting wood near it.
सारे कपड़े वपड़े धो के फ्री हुई हूँ और बच्चों को नहलाया तैयार किया और सिया कावे की स्कूल की ड्रेस में फ़ोटो क्लिक करी है क्योंकि कल उनकी स्कूल में फ़ोटो देनी ही देनी है, किसी भी हालत में देनी है। सो अभी बस मैंने ड्रेस पहना के और उनकी फ़ोटो क्लिक करी है, शाम को मैं स्टूडियो से जाके निकलवा के ले आऊँगी। तो अभी बस दोनों को मैंने रेडी कर दिया है, दोनों बच्चों को। और आज मौसम इतना अच्छा हो रखा है, अब तो बारिशें आने लगी, अब इतनी गर्मी नहीं है, अब सर्दियाँ मतलब थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी ठंड स्टार्ट हो चुकी है। क्या हुआ? और देखो सिया से ना बिल्कुल भी नहीं टिका जाता, बस ये पूरे दिन ऐसे चलती रहती है। इसका पूरे दिन बस ये ऐसे ही चलती रहती है। हाँ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड चाहिए, वो पड़ा ले लो। बारिश में भी सिया आइसक्रीम कौन खाता है, बीमार हो जाएगी। देख पैर तो तेरा टूट ही रखा है। मैं खाती हूँ। नहीं खानी चाहिए, बैड मैनर्स। अभी तो गर्मी है, मौसम इतना अच्छा हो रखा है मौसम। बिल्कुल दिन में थोड़ी सी धूप आई थी, लेकिन अभी बारिश आने वाली है। मम्मा अभी तो हम दोनों गिर जाते। गिर जाते नहीं, नहीं। और सिया को दिखाती हूँ आपको, उसकी लगी हुई है फिर भी वो टिकती नहीं है। दर्द नहीं हो रहा, डॉक्टर ने मना किया था ना सिया। ठीक है, इस बार अगर ज्यादा प्लास्टर बन गया ना तो फिर मुझे नहीं पता है, मैं जयपुर भी नहीं लेके जाने वाली तुझे। और मुझे? आपको तो लेके जाऊंगी, इसको नहीं लेके जाऊंगी बिल्कुल भी सिया। ठीक है। ये भगवान सिया क्या हो रहा है? कोई बता सकता है इसके लगी हुई है? सिया सिया बस अच्छा हो रखा है। और पता है मेरा है ना, जब से ये शेड्यूल बिगड़ा है ना ब्लॉगिंग वाला, मैं सुबह मॉर्निंग में डालती थी 12 बजे ब्लॉग, उसके बाद से बिल्कुल ही एकदम शेड्यूल मेरा बिगड़ चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में ही ब्लॉग्स डाला करूँ मैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। मॉर्निंग में जैसे 12 बजे या 10 बजे का टाइमिंग फिक्स रख लूँ मैं, तो 12 बजे वाला ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि शाम का यार पूरा शेड्यूल ही ऐसे ही गड़बड़ हो जाता है। सो आज तो यही ब्लॉग डाल देती हूँ, और अब पता नहीं कब से शेड्यूल यार सही हो जाता है ना, कि अब शाम को 6 बजे मैं ब्लॉग डालती हूँ तो उसके बाद से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, और वो कल शाम तक ही होगा, क्योंकि कल 10 या 12 बजे तक तो मैं क्या ही ब्लॉग डालूँगी उसमें। सो अभी बस बारिश आने वाली है और बच्चे जिद कर रहे हैं, बच्चे नहीं सिर्फ काव्या जिद कर रही है कि मैं नहाऊँगी। और सिया को आप देख ही सकते हैं यार, वो एक जगह बिल्कुल भी नहीं टिकती है, डॉक्टर ने मना किया है कि उसको पैर मत टिकने देना नीचे। सो बिल्कुल नहीं मानती है वो। आज अंदर आ जाए दिन से, पता है मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी लगाऊँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मेहंदी मुझे इसलिए लगानी है क्योंकि जो संक्रांत पे वो झिलाते ना मेहंदी, चले मुझे मेहंदी पूजा, मेरे भाई की वाइफ तो उन्होंने जैसे नंदो को झिलाते हैं या फिर जेठूती को किसी को झिलाते हैं, तो उन्होंने मुझे और दीपा को मेहंदी झिला रखी है, तो अभी मेरी मेहंदी उतर चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन से, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी लगा लूँ मेहंदी। तो देखते हैं अभी लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ, बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे और उसके बाद मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, क्योंकि मुझे 6 बजे व्लॉग भी डालना होता है तो उसके लिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और मैं आप होप्स हो कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊँगी, और कोशिश भी करती हूँ मैं लाने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणेश।